कुरिया डिपार्टमेंट के अंदर एक बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ था जो तारिक बशीर चिमा साहब मेरी ही चेयर पे तशरीफ लाए और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कि मुझे थ्रेटन किया जो कि पार्लिमानी असूल के भी इस्लामी असूल के भी हमारे पाकिस्तानी और कल्चरल और ख़ानदानी असूलों के भी मुनाफी है। कल पूरे पार्लिमान ने मेरी अपनी पार्टी ने पीपल्स पार्टी ने MQM ने PMLN ने और मौलाना जमीयतुल उलमा फे के और जितने भी इंडिपेंडेंट लोग आए हुए थे सब ने मेरा साथ दिया। मैं स्पीकर आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने पार्लिमान की भी इज्जत रखी और हमारी भी, क्योंकि हम जो खवातीन यहाँ पे इलेक्शन लड़ के जीत के आती हैं उतना ही बराबर जीत के आती हैं जितने हमारे MNA साहिबान मर्द साहिबान जो है इलेक्शन जीत के आते हैं। ना हमारा खातून होना यहाँ पे कमजोरी है ना हमारी कोई वीकनेस है, बल्कि ये इम्पावर ये मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं खातून और मैं डेरा गाजी खान से दोबारा इलेक्शन जीत के वोट की ताकत से यहाँ पे आई हूँ। तो मैं तमाम खवातीन का तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब ने इस मसले पे मेरा साथ दिया और मैं स्पीकर साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब ने तारिक बशीर चीमा साहब को कहा, उन्होंने माफ़ी मांगी, हमने माफ़ी जो है वो कबूल कर ली, लेकिन आज उनकी जो मेंबरशिप है वो ऐवान से उनके इस मिसकॉन्डक्ट के ऊपर जो है वो उन्होंने उनको सस्पेंड किया। मैं स्पीकर साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं उम्मीद जो हामिद रजा साहब ने डिटेल में बात की है मैं दो बातें करता हूँ, फिर जो ना गौर साहब और अजीत साहब बात करेंगे। देखिए सबसे पहले बात यह है कि इस वक्त पूरा पंजाब में किसान रुल रहे हैं, उनकी जो गंदम की फसल है वो उनके पास पड़ी हुई है। पंजाब के किसानों का सारा दारोमदार जो है ना उसकी पूरी साल का खर्चा उसकी तमाम तकरीबात उसकी गमी खुशी इस गंदम के साथ या गरी के साथ होती है और वो दोनों इस वक्त इस बुरे हाल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं कि यहाँ हमारी टिकटाकर चीफ मिनिस्टर अभी हम देख रहे थे कि वो एक किस्म की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी वर्दी पहनी हुई थी और ड्रामाबाजी कर रही है। इसकी जगह जरूरत इसकी है कि वो किसानों के साथ खड़ी हो। नंबर वन हम मुतालिबा करते हैं, मुतालिबा करते हैं ये पूरा जो हमारे यहाँ हमारे MNAs हैं मुतालिबा करते हैं कि जितना भी किसान के पास इस वक्त माल पड़ा हुआ है गंदम पड़ा हुआ है इसको किसानों के साथ निगोशिएशन की बुनियाद पे रेट का तयन करके इनको खरीदा जाए और उस 3900 जो सपोर्ट प्राइस की है 3900 उसी पे खरीदी जाए। ये टिकटॉक करना और ये शोशा करना छोड़े। और दूसरी बात यह है कि तुम जिम्मेदार हो प्राइम मिनिस्टर भी उस वक्त तुम्हारा था, तुम्हारा नॉमिनेटेड था और जो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हो मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करूं, इस इशू को मरने नहीं देंगे। पंजाब भर का अभी हमारी बात हुई है सरगोधा MNA से गुजरावाला से भी हुई है हम और जंगवालों से भी हुई है, हम जाएंगे अपने किसानों के साथ खड़े होंगे। क्या दूसरा इशू गन्ने का है? अच्छा इस वक्त जो गन्ने के काश्तकार है वो भी रुल रहे हैं, जो शुगर मालिकान है जो कि PTI के दौर में किसी के पास जो है ना ये जरूरत नहीं थी कि वो किसी किसान की पैसे रोके, इस वक्त किसान जो है ना वो दर बदर टोकरे खा रहे हैं उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं। तुम शर्म करो, तुम्हारी अपनी शुगर मिले हैं और तुम जो है ना अपनी माल बना रही हो याशिया कर रही हो और किसान जो है ना खुदकशियां कर रहे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस बात पे। और मुझे अफसोस इस बात पे है कि आज इस बात को हम उठाना चाहते थे जिस तरह इस इजलास को प्रोरोग किया गया। हम कोशिश कर रहे हैं कि खासकर किसानों के साथ जहती के लिए हम जो है रिक्विजिशन कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम जल्द इजलास बनाएंगे। हम आपको ये कमिटमेंट करते हैं कि अपनी कौम के साथ हैं, अपनी कौम के साथ डट के खड़े हैं, इंशाल्लाह ताला इनको मजबूर करेंगे कि किसानों की। अच्छा दूसरी बात जो है ना एक और इशू मैं करना चाहता हूँ, फिर इसके बाद जो है ना मैं बाकी उसको अच्छे तरीके साहब बात करेंगे या गौर साहब बात करेंगे। जो ड्रोन अटैक हुआ है वज़ीरिस्तान में जिसमें 5 बच्ची खवातीन और हमारे लोग शहीद हुए हैं 2-3-4 साल के, मैं इसकी मजम्मत भी करता हूं और मैं फॉरन ऑफिस से और वज़ीर दिफा से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कोई एहतजाज रजिस्टर्ड किया है कि नहीं किया है। अगर उन्होंने एहतजाज रजिस्टर्ड नहीं किया हमारी सॉवरेनिटी की
ऊपर हमला है। हम एक आजाद कौम है, एक आजाद कौम की हैसियत से हम किसी को इजाजत नहीं देते कि हमारी सॉवरेनिटी को और हमारी आजादी को वो बलिया मेट करे। एक इज्जतदार कौम की हैसियत से, एक बहादुर कौम की हैसियत से हम ये यकीन रखते हैं कि हमारी सरहदों का कोई खिलाफ वर्जी ना करे। मैं जो उन्होंने कुछ पैसे दिए हैं, भाई पैसों से नहीं, उनका खून मुतालबा करता है कि उनकी जो 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 शहादत हुई है उनके लिए आप कम से कम कुछ भी नहीं कर सकते, जांच करें और जो रिस्पांसिबल है उसके खिलाफ आलमी फोर पे बात उठाए। जी एक चीज की मैं ये कर दूं, तीन दिनों से मुसलसल कुछ अफराद आके मीडिया पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के खिलाफ हर्ज सराइयां कर रहे हैं और ये सारे पीएमएलएन की मां पे हो रहा है। इन्होंने जब देख लिया कि एक आध केस में कहीं जाके इंसाफ हुआ तो अब अदलिया को डराने के लिए और छह जजिस के खत से अदलिया को जो है पीछे हट जाने के लिए इन्होंने अब कल तलाल चौधरी आए, इससे कबल वावड़ा साहब आए, सुप्रीम कोर्ट ने गर्चे सुमोटो लिया हुआ है। लेकिन ये हम बताना चाहते हैं कि इस वक्त अदलिया जो है वो अपने एग्जिस्टेंस की तहफ्फुज के लिए कड़ी हैं। अगर आज अदलिया इसमें नाकाम होती हैं तो बहसीत इदारा अदलिया का ये वकार कि लोग इनके पास जाएं अपने हकूक के तहफ्फुज के लिए कतई कोई नहीं जाएगा जब लोग ये देखेंगे कि अदलिया अपने वकार का तहफ्फुज नहीं कर सकती है। हम मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि आज कल के दौर में जो भी अदलिया पे अर्जा सराई करेगा उनको सुओ मोटो के तहत कंटेम्प्ट जुरिसडिक्शन में बुलाया जाए। ठीक है, थैंक यू। एक जो जितने भी बात की है गंदम पे तो वो असद केसर साहब ने बात की है, हामिद ने बात की है, वही हमारा व्यू पॉइंट है। मैं उसमें से दो चीज़ों का इजाफा करूंगा। पहली बात तो ये है कि हम ये सारी बातें असम्बली के फ्लोर पर उठा चुके थे, आज भी हम जवाब दे रहे थे और आज असम्बली का इजलास प्ररोग हुआ 15 मिनट के प्रोसीडिंग के बाद। आज हमारी चेंबर में स्पीकर साहब के साथ बात हुई है क्योंकि ये असम्बली का इजलास मंडे तक चलना था, उन्होंने इसको चलवाने के बजाय आज प्ररोग किया है। अब उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट इजलास इस एजेंडे को कंप्लीट करने के लिए, इस बाकी मांदा एजेंडे को कंप्लीट करने के लिए 5 जून को इजलास होगा 11 बजे और इसके बाद 7 जून को फिर बजट होगा 2 दिन के लिए रखें। हम स्पीकर को एक चीज़ रिमाइंड कराना चाहते हैं, वो ये कि आप अपने ये इंडिया को जरा देख लें, वो आपका दुश्मन मुर्द सही लेकिन वो अपने लोकसभा को उन्होंने कैसे चलाया। ये 17वां लोकसभा उनका चला, 17वें लोकसभा में 2022 में एक भी ऑर्डिनेंस पेश नहीं हुआ, वो सारा उन्होंने इतना चलवाया कि वो सारे एक पास आए। 350 घंटे वो लेट आवर्स में बैठे ताकि अपने दिन का एजेंडा वो कंप्लीट करे। 1354 दिन उन्होंने अपने सारे इजलास बुलाए, सब्सिडियां जहां दी थी पार्लियामान को वो विड्रॉ करते हुए 870 करोड़ रुपए का इंडियन रुपीस का अपने 4 सालों में बचत भी किया। अब करूंगा एक तो एजेंडा कंप्लीट हो, जिस दिन का एजेंडा हो वो चलाए और अपने रूल्स प्रोसीजर को फॉलो करे। सेकंड, बिलावल को आज हमने जवाब देना था, कल देना था, जो नहीं हो सका। उसने केपीके की हुकूमत पर भी एतराज़ किया, इसलिए आज गंदम के मुतालिक भी हम सिंध गवर्नमेंट से भी मुतालबा करते हैं, हम बलूचिस्तान गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं। ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जिस तरीके से केपीके ने अनाउंस किया है कि सपोर्ट प्राइस में हम पंजाब के किसान से गंदम खरीदेंगे, ये दो हुकूमतें भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ये भी उसी प्राइस पे गंदम खरीदे ताकि किसान का जो मसला है वो हल हो जाए। थैंक यू। कुछ नहीं, जिंदाबाद। जो कुछ उन्होंने कहा है सपोर्ट कर। सारा उधर गोजरा में पहले 3 दिन सारी परचेज रोक के राणा तनवीर की गंदम खान का डोगरा से जहानिया से कहां से आई है और आज तक कोई ऐसी प्रेसिडेंस नहीं थी हमारे 5 सेंटरों पे राणा तनवीर की और अफवाह की गंदम क्या माल कमाने का जरिया बना दिया गया, गंदम खरीदी नहीं गई लोगों से, पूरे पंजाब में लोगों का बहुत बुरा हाल है और गंदम की 6,000 रुपए। अच्छा।